बोलना शुरू करो। हेलो, ये स्टेथोस्कोप है। ये स्टेथोस्कोप है, इसे हाँ बोलो। चलो, ये स्टेथोस्कोप है, इससे हम पेशेंट की जो साउंड से, मतलब कि जो पेशेंट को, सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए, वो देखते हैं कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है क्या है, इसलिए हम इसको देख सुनते हैं आवाज़ से। ठीक है, एब्डोमन की जो है, किसी को एब्डोमन पेन हो तो उससे हम साउंड सुनते हैं कि किसी को कोई गट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी भी चीज़ की कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब डॉक्टर रमेश आपको बताएंगे कुछ और डिटेल में स्टेथोस्कोप का यूज़। ये स्टेथोस्कोप हमारे बड़े काम की चीज़ है, डॉक्टर चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, सबके बड़े काम की चीज़ है। अगर किसी को भी सांस की दिक्कत हो रही हो तो हम इससे उसके सांस को सुनते हैं कि कहीं उसमें पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं उसमें साएं साएं की आवाज़ तो नहीं आ रही। साएं साएं की आवाज़ आमतौर पे सीओपीडी के मरीज़ों के फेफड़े से निकलती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मरीज़ पुराने दम की शिकायत से पीड़ित है। ये स्टेथोस्कोप का दूसरा जो बड़ा काम है वो हमें पेट सुनने में आता है। जो मरीज़ हवा नहीं पास कर रहे हों या गैस नहीं पास कर रहे हों, जिनका लैटरिंग पेट में रुका हुआ हो या जिनके आंते रुके हुए हों, उनको इस स्टेथोस्कोप से हम उनके पेट के ऊपर सुनने के बाद ये बता सकते हैं कि उनकी आंते चल रही हैं कि नहीं। अगर उनकी आंते नहीं चल रही, यानी कि उनकी आंते रुकी हुई हैं, और ऐसी बीमारी को सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये अगर ये स्टेथोस्कोप ना हो तो हम पहचान ही ना पाएंगे कि उसके पेट में लैटरिंग रुकी हुई है या उसकी आंतें रुकी हुई है। इस स्टेथोस्कोप से हम सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। तीसरा, इसका सबसे बड़ा रोल आता है जब हम किसी मरीज़ को राइल्स ट्यूब डालते हैं। राइल्स ट्यूब डालने के उपरांत अगर हम इससे, अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप ना हो तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि मरीज़ के पेट में राइल्स ट्यूब सही जगह पर गया है कि नहीं। अमूमन हम सिरिंज से हवा भर के जब मरीज़ को राइल्स ट्यूब में हवा भरते हैं और पेट के ऊपर